हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजीली बना लेंगे। आप इस डिज़ाइन को लेडीज स्वेटर के लिए, स्कार्फ़ के लिए, शॉल के लिए, मफलर के लिए, कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को लेडीज जैकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी स्वेटर के लिए, बेबी जैकेट के लिए, बेबी ब्लैंकेट के लिए, कैप के लिए, बेबी सूट के लिए। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। बेबी कैप पर ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे लाइट और डार्क सभी कलर में बना सकते हैं। बहुत ही ईजिली बन जाता है और ये बढ़ने वाला डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में ऊन भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब हम डिज़ाइन का रॉन्ग साइड देखेंगे। ये देखिए, ये इसका रॉन्ग साइड है। जब आप रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो इस तरीके का बनकर आएगा। रॉन्ग साइड की इसकी रो उल्टी ही बिनी जाती हैं, बस आपको फंदों को चेंज करना होता है। अब हम इस डिज़ाइन के फंदे देख लेते हैं। इस डिज़ाइन में आप 8 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, प्लस में 4 ले लेंगे, दोनों कॉर्नर पर दो दो, और ये 4 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पर मैंने 20 स्टिच लिए हैं, 20 फंदे लिए हैं, 8 8 8 करके मैंने 16 फंदे ले लिए हैं, और 4 फंदे ये देखिए दोनों कॉर्नर पर दो दो फंदे लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो बिनेंगे। आपको बॉर्डर के बाद की फर्स्ट रो बिननी है, तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बिन लेंगे। अगर आप बिनते हैं तो दो फंदे सीधे बिन लीजिए। फिर हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक जाली डालेंगे, एक जाली डाली ये देखिए इस तरीके से, फिर एक फंदा सीधा बिना, फिर एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। यानी कि हम इस तरीके से ऊन सिलाई पर लेंगे और पूरी ही रो को, आपको जितने भी फंदे आपके सिलाई पर हैं उन सभी फंदों को आप सीधा बिन लेंगे। बस आपको इस तरीके से ऊन को सिलाई पे ले लेना है और सभी फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। तो 16 फंदे जो हमारे बीच के डिज़ाइन के हैं उनको मैं इसी तरीके से बिनूंगी। एक बार हम इस तरीके से ऊन सिलाई पे लेंगे और फंदे को सीधा बिन देंगे, फिर हम ऊन सिलाई पे लेंगे और फंदों को सीधा बिन देंगे। ये जो हम फंदे सिलाई पे ले रहे हैं इस तरीके से, ये हम फंदों को ढीला करने के लिए ले रहे हैं। यानी कि हमें जो फंदे लंबे चाहिए तो हम इस तरीके से फंदों को ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार आप सिलाई पे फंदा लेंगे और एक फंदे को सीधा बिन देंगे। पूरे 16 फंदे सीधे ही बिनी जाएंगे हमारे डिज़ाइन के। बस आपको हर फंदे के पहले इस तरीके से आपको ऊन सिलाई पे ले लेना है। लास्ट के जो दो फंदे हैं वो आपको सीधे बिने। देखिए, एक हमने यहाँ पर सीधा बिन लिया है और ये वाला फंदा भी हम सीधा ही बिन लेंगे। तो शुरुआत के दो और लास्ट के दो फंदे हमें सीधे बिन लेने हैं, उनमें हमको ऊन नहीं लेना है। बाकी 16 फंदों पे ऊन सिलाई पे लेते हुए बिन लेने हैं सीधे। अब देखिए रो सेकंड है, रो सेकंड देखिए हमारी कैसी बनी जाएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा भी लेंगे। ये डिज़ाइन उल्टा और सीधा ही बिना जाता है। अब जो फंदा हमने सिलाई पे लिया था उसे हम छोड़ देंगे और जो बिना था उसे सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इससे हमारे फंदे ढीले हो गए हैं। ये देखिए, जो चढ़ाया था सिलाई पे फंदा वो हम छोड़ देंगे और जो बिने फंदे थे वो हम ले लेंगे। तो 4 फंदे हैं देखिए हमारे पास, 2 और 2 4। अब देखिए, जो हमारे अंदर वाले फंदे हैं इन्हें हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे और जो बाहर वाले फंदे हैं इन्हें हम अंदर की तरफ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए, दो आगे जो हमारे दो पीछे वाले फंदे थे उन्हें हम आगे की तरफ कर लेंगे और जो दो हमारे आगे वाले फंदे थे उन्हें हम पीछे की तरफ कर लेंगे। तो एक मल्टीप्लाई का निशान बन जाएगा। फिर हम इन चारों ही फंदों को उल्टा बिन देंगे। देखिए, 1 2 3 और 4, 8 फंदों पे हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो 4 फंदे हमारे हो गए। अब हम फिर से 4 फंदे खोलेंगे। देखिए, 1 2 3 और 4, 4 फंदे हमने खोले। ये देखिए ढीले हो गए हमारे फंदे। अब देखिए, जो दो अंदर वाले इन्हें बाहर कर देंगे और ये जो बाहर वाले दो हैं उन्हें अंदर कर देंगे। इसको हम अब की बार आगे राइट साइड की तरफ से करेंगे। देखिए इस तरीके से, ये दो फंदे हमारे जो आगे वाले हैं इन्हें हम इस तरीके से सिलाई पे लेंगे और पीछे कर लेंगे, और हमारे जो पीछे वाले फंदे हैं इन्हें हम आगे कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, फिर हम इन चारों ही फंदों को उल्टा बिन देंगे। तो हमारे 5 हो गए, 6 7 और 8, 8 फंदे हमारे हो गए। अब हम फिर से 4 फंदे खोलेंगे। देखिए, 1 2 3 और 4, ये देखिए 4 फंदे खोले। जो ये दो बाहर वाले फंदे इन्हें अंदर कर लेंगे और अंदर वाले दो फंदों को बाहर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें निकाल लेना है बाहर की तरफ और जो आगे वाले फंदे उन्हें पीछे की तरफ कर लेना है। फिर हम चारों ही फंदों को उल्टा बिन देंगे, 2 3 और 4। इसके बाद देखिए, फिर हम 4 फंदे खोलेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने खोले। जो हमारे अंदर वाले दो फंदे हैं इन्हें हम बाहर की तरफ कर लेंगे और जो बाहर वाले दो फंदे इन्हें अंदर की तरफ कर लेंगे। अब की बार हम राइट साइड से देखिए, ये जो दो फंदे हैं
इन्हें हम इस तरीके से बाहर की तरफ करेंगे और पीछे वाले जो दो फंदे हैं उन्हें हम अंदर की तरफ ले आएंगे। फिर चारों ही फंदों को उल्टा बिन देंगे। एक, यहाँ पर हमारे 6, 7 और 8, 8 फंदे हो गए तो पूरे 16 फंदे हो गए। ये लास्ट के दो फंदे हमारे उल्टे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सेकेंड रो है रॉन्ग साइड की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आएंगे। देखिए इस तरीके से हमारे फंदे बदले। अब हम थर्ड रो कैसे बिनेंगे, सेम हमें रो फर्स्ट की तरह ही बिनना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हम ऊन सिलाई पे लेंगे और हर एक फंदे जो हमारे 16 फंदे हैं उनको सिर्फ आपको ऊन सिलाई पे लेना है और 16 फंदों को सीधा बिन देना है इस तरीके से, ताकि जब हम फंदे खोलेंगे तो हमारे फंदे जो है वो थोड़े ढीले हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई पे ऊन लेना है और फंदे जो आपका निडिल पे फंदा है उसे सीधा बिन देना है, फिर ऊन सिलाई पे लेना है, फिर फंदे को सीधा बिन देना है। बिनना सीधा ही है, बस आपको एक बार ऊन सिलाई पे ले लेना है और फिर फंदे को सीधा बिन देना है। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बिगनर के लिए तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आप सीख सकते हैं इससे डिज़ाइन बनाना। इजी डिज़ाइन बनाएंगे तो आप जल्दी नीटिंग सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आपको हर एक फंदे के आगे एक फंदा सिलाई पे इस तरीके से ले लेना है और फिर फंदे को सीधा बिन देना है। यह आपको 16 फंदों तक इसी तरीके से बिनना है। ये देखिए फिर सिलाई पे ऊन लिया और लास्ट के जो आपके दो फंदे हैं इनको आपको सीधा बिन लेना है, 1 और 2। आप चाहें तो एक एक फंदा भी रख सकते हैं दोनों कॉर्नर पर। अब रो 4 आ गई हमारी। देखिए रो 4 हमारी सेम रो सेकंड की तरह जाएगी, लेकिन कैसे, दो फंदे हमने बिने, फिर हमने 4 फंदे इस तरीके से ढीले कर लिए। देखिए देखिए पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा उल्टा बिना और 4 फंदे देखिए खोल लिए हमने। अब हम देखिए ये जो दो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ करेंगे और जो अंदर वाले फंदे हैं वो बाहर की तरफ करेंगे। अब हम अपोजिट करेंगे, जैसे हमने रो फर्स्ट सेकंड में किया है अब हम उसका उल्टा करेंगे। यानी कि हम देखिए दो पीछे वाले फंदों को हम अंदर की तरफ ले आएंगे, जो आगे वाले सॉरी दो फंदे हैं उन्हें हम अंदर की तरफ ले आएंगे और जो अंदर वाले दो फंदे हैं उन्हें हम बाहर की तरफ ले आएंगे। फिर चारों ही फंदों को हमें उल्टा बिन लेना है, 2, 3 और 4। ये देखिए इस तरीके से फिर हम 4 फंदे खोलेंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे हमने खोले, ये देखिए इस तरीके से। फिर ये देखिए अब ये जो दो अंदर वाले फंदे वो हम बाहर की तरफ कर देंगे और जो बाहर वाले दो फंदे उन्हें हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब की बार हम रॉन्ग साइड से करेंगे, देखिए इस तरीके से, और सिलाई को आगे से लेते हुए पीछे वाले फंदों को हम आगे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये एक मल्टीपल का शेप बन जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 5वां फंदा हो गया, 6ठा, 7वां और 8वां, 8 फंदों का डिज़ाइन है, 8 फंदे हमारे हो गए। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। फिर हम 4 फंदे खोलेंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 फंदों में जो हमारे बाहर के दो फंदे हैं ये अंदर चले जाएंगे, अंदर वाले दो फंदे बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब की बार हम इसे राइट साइड से करेंगे। देखिए ये पीछे वाले जो दो फंदे हमारे आगे वाले उनको हम पीछे करेंगे राइट साइड से, और आगे वाले जो पीछे वाले दो फंदे उन्हें हम आगे की तरफ कर लेंगे रॉन्ग साइड से इस तरीके से। फिर हम इन चारों ही फंदों को उल्टा बिन देंगे। बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा फंदे चेंज करते हुए। फिर हम 4 फंदे खोलेंगे इस तरीके से। फिर हम ये देखिए ये जो हमारे दो बाहर वाले फंदे हैं इन्हें हम अंदर की तरफ कर लिए, अंदर वाले दो फंदों को बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से पहले हम पीछे करेंगे दो फंदों को पीछे से, फिर आगे वाले दो फंदों को आगे से आगे की तरफ ले आएंगे। फिर हमारे यहाँ पर फंदे बिन लिए जाएंगे उल्टे। तो यहाँ पर हमारा 5वां फंदा हो गया, 6ठा फंदा हो गया, 7वां और 8वां, और यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट के दो फंदों को हम उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। 4 रो का डिज़ाइन है और यहाँ पर हमारे 4 रो कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए 4 रो हमारी कुछ इस तरीके से बनकर आई है। अब आप यही 4 रो बार बार रिपीट करेंगे तो आपका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर आएगा। मैं इसके ऊपर 4 रो और रिपीट करके आपको दिखा देती हूँ ये डिज़ाइन कैसा लगता है। तो जल्दी से बिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फिर से 4 रो बिनी है तो हमारा डिज़ाइन देखिए इस तरीके से आया है। बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप शॉल बना रहे हैं तो बहुत प्यारा है शॉल के लिए, किसी भी लाइट कलर से बनाइए। ये देखिए इस तरीके से बनकर आएगा हमारा डिज़ाइन। बेबी ब्लैंकेट के लिए बहुत प्यारा है, कैप के लिए डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे डिज़ाइन को इस तरीके का दिखाई देगी। देखिए इस तरीके का आपको डिज़ाइन दिखाई देगा।
इजी डिज़ाइन है, प्यारा डिज़ाइन है, जल्दी से आप सीख लेंगे इस डिज़ाइन को। आप इसे सभी वूलन प्रोजेक्ट पे सभी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए जरूर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।